नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जिस ट्रेन की जानकारी देने वाले हैं वह ट्रेन है सप्त क्रांति एक्सप्रेस। इस ट्रेन की जानकारी देने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, सप्त क्रांति एक्सप्रेस का गाड़ी नंबर है 12558 है। यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर जंक्शन के बीच चलती है। यह ट्रेन आनंद विहार से मुजफ्फरपुर जंक्शन के लिए रोजाना चलती है। आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर जंक्शन की दूरी 1057 किलोमीटर है। इस दूरी को यह गाड़ी 21 घंटा 25 मिनट में पूरा करती है। इस गाड़ी का एवरेज स्पीड 49 किलोमीटर पर घंटा है और मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर पर घंटा है। यह गाड़ी आनंद विहार टर्मिनल से चलकर लखनऊ चारबाग, गोरखपुर जंक्शन, नरकटियागंज जंक्शन, बापू धाम, मोतिहारी होते हुए मुजफ्फरपुर जंक्शन को जाती है। इस गाड़ी के टिकट किराया जो कि आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर जंक्शन तक का है, फर्स्ट एसी 3,365 रुपया, सेकेंड एसी 1,990 रुपया, थर्ड एसी 1,400 रुपया, स्लीपर 535 रुपया, सेकेंड सीटिंग 320 रुपया। इस गाड़ी का दूसरे स्टेशनों का किराया जानने के लिए रेलवे के वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं। दोस्तों, सप्त क्रांति एक्सप्रेस अपने समय अनुसार आनंद विहार टर्मिनल से दोपहर 2:50 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ती है। इसके बाद यह गाड़ी मुरादाबाद स्टेशन को शाम को 5:37 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 5:45 में वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 8 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 153 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी लखनऊ चारबाग स्टेशन को रात को 10:45 पर दो नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 10:55 में वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 478 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी गोरखपुर जंक्शन को रात को 3:45 पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 3:55 में वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 748 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी कप्तानगंज जंक्शन को सुबह 4:41 पर दो नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 4:43 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 786 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी सिसवा बाजार सुबह 5:04 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 5:06 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 813 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी बगहा स्टेशन को सुबह 6:00 एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 6:03 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 856 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी हरिनगर स्टेशन को सुबह 6:25 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 6:27 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 882 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी नरकटियागंज जंक्शन को सुबह 6:47 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 6:52 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 897 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी बेतिया स्टेशन को सुबह 7:17 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 7:20 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 934 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी सुगौली जंक्शन को सुबह 7:38 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 7:40 पर वहाँ से खुल जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 957 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को सुबह 8:09 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 8:12 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 977 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी चकिया स्टेशन को सुबह 8:56 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 8:58 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1,009 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी मेहसी स्टेशन को सुबह 9:25 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 9:27 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1,018 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी मोतीपुर स्टेशन को सुबह 9:44 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 9:46 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी
1031 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी अपने अंतिम स्टेशन को 1057 किलोमीटर कवर करते हुए मुजफ्फरपुर जंक्शन को दोपहर 12:15 पर एक नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। दोस्तों, सप्तक्रांति एक्सप्रेस की जानकारी यहीं समाप्त हुई। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।